जी फ्रेंड्स, ये फोते का एरिया है जहाँ पे इस वक्त हम वॉकिंग कर रहे हैं। आए हम आपको ये फोते की स्ट्रीट्स दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी मुकीम्स हैं और इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। पहले जो है वो यहाँ से भी TRC अप्लाई हो रही थी, लेकिन लास्ट फिफ्टीन में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी इंडियंस हैं, तो ईसन यॉर्थ और फातेह के एरिया में अभी आप TRC अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि इस एरिए के घर का कॉन्ट्रैक्ट पे आप TRC अप्लाई नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे फातेह के एरिया में है, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वो काफी आश्ती अभी सालों में बराती पहले जो है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। यहाँ पे लोग शूटिंग करते थे आउटसाइड, और मतलब के नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती थी कोरोना से पहले। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, बंद तो नहीं है, मतलब के इस तरह की एक्टिविटी सारी बंद है। और आज भी 9 बजे के बाद लॉकडाउन स्टार्ट है। हफ्ता और इतवार यहाँ पे लॉकडाउन है जी फ्रेंड्स। ये बयाजिद का एरिया है और इसके सामने ही हमारा होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है ये। साथ ही इसके ये ट्राम चल रही है, ये साथ ट्राम है, ये बहुत प्यारी सी एक मस्जिद है देखें, और काफ़ी बिजी प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। एक पार्क सा छोटा सा बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वेंडर्स मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में छल्ली होती है ना, वो सिट्टा जिसे बोलते हैं हम, सिट्टा, तो वो यहाँ पे घूम के जो है वो बेचा जाता है, काफ़ी चलता है यहाँ। और
जी फ्रेंड्स, ये अक्सराय का एरिया है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो एरियाज़ का हमें भी कोई इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, बस रोड पे निकल आते हैं और वॉकिंग शुरू कर देते हैं हम। बस जहाँ जहाँ दिल करता है वहाँ वहाँ को चलते जाते हैं। तो अभी हम ब्याजित से आए थे, ब्याजित से हमने ट्राम ली थी और उसके बाद हम उतरे थे शिव पाशा, कोई इस तरह का कोई एरिया का नाम है शिव पाशा। तो अब वहाँ से फिर जो है वो स्टेज ही ट्रैक है बिल्कुल। तो ये जा रहा है घर की तरफ, घर की तरफ मीन्स के होटल की तरफ जा रहा है ब्याजित। तो बस वॉकिंग करते हुए उस तरफ जा रहे हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हमारा इरादा बना था यहाँ पे TRC कार्ड अप्लाई करने का, तो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों से मिली है कि इस्तांबुल में जो कार्ड है वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने लग रहे हैं, 2.5 से 3 महीने के बाद जो है वो कार्ड रिसीव हो रहा है। अगर आप इस्तांबुल से बाहर किसी और एरिया में जाके अप्लाई करते हैं, किसी छोटे शहर में अप्लाई करते हैं जाके, तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर कार्ड मिल जाता है, और कुछ लोगों को 1 महीने के अंदर भी रिसीव हुआ है। तो लेकिन बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपका इरादा है रुकने का, तो फिर तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और पहले आप अपना ख़ुद अप्लाई करें, उसके बाद जो है वो फिर आप फैमिली को साथ लेके आएं। क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती हैं। क्योंकि किमलीग अगर आपके पास नहीं है, जिसे TRC कार्ड बोलते हैं, तो हॉस्पिटल में जो है वो चेकअप नहीं होगा, और प्राइवेट चेक कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो चार्ज करेंगे। तो इसके लिए जो है वो किमली कार्ड की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल वगैरह में जाने के लिए।